हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश बाली है वीज़ा टू एक्सप्लोर से। आज मैं मनाली हिमाचल प्रदेश में हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ रोहतांग पास। मनाली से रोहतांग पास 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उम्मीद है पहुँचने में 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगना चाहिए। दस से 11 किलोमीटर का सफ़र तो तय हो चुका है। हमारे गाड़ी के ड्राइवर साहब का कहना ये है कि हमें ओवरकोट रेंट पे ले लेना चाहिए। रोहतांग में मौसम ठंडा है और साथ में स्नो में एंजॉय करने में भी ओवरकोट काम आएगा। 1-2 किलोमीटर आगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा ही खूबसूरत सा वाटरफॉल मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीचों बीच वाटरफॉल निकल के पहाड़ों से सामने आ रहा है। ज़रा नज़दीक चलकर इसका क्लोज़अप व्यू लेते हैं। बीस किलोमीटर का सफ़र तय करके हम गुलाबा चेकपोस्ट तक पहुंच चुके हैं। यहां पर सारी गाड़ियों के परमिट चेक किए जाएंगे और गाड़ियां आगे रोहतांग के लिए निकलेंगी। थैंकफुली हमें यहां पर जाम नहीं मिला। सुनने में आया कि मई और जून के अंदर 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का जाम होता है गुलाबा चेकपोस्ट पर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं मौसम के अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। अब हमें ब्रेक लेना है रहाला वाटरफॉल पर। सर ये देखिए राला वाटरफॉल, हम मनाली से 28 किलोमीटर यहाँ पर आ चुके हैं। पानी में हाथ लगा के देखिए, मज़ा आ जाएगा। मनाली से रोहतांग के लिए शेयर टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं जिसमें पर पर्सन किराया होता है 900 रुपये। हमें लगा इस टाइम जुलाई में ऑफ सीजन है तो एक्सक्लूसिव टैक्सी अगर 3,500 रुपये में मिल रही है तो नॉट अ बैड डील। वैसे मई और जून के अंदर एक्सक्लूसिव टैक्सी का रेट 5,500 से 6,000 तक जाता है। हाँ जी, हम ईस्ट दिल्ली से जी, हमने आपकी वीडियो देखी पेज की। अच्छा, बहुत अच्छी लगी हमें आपके शादरा वाले, ईस्ट दिल्ली का फूड जो था ये वो। हम मनाली जा रहे थे तो जाम में फंसे हुए हैं, आपसे मुलाकात हो गई। बेस्ट ऑफ लक फॉर, बहुत बढ़िया है जी, आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हो प्रोग्राम। हाँ जी, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर मनाली वीडियो। दिल्ली पहुंच के मनाली वाला वीडियो देखना। बिल्कुल श्योर सर। अब तक का 35 किलोमीटर का सफर काफी स्मूथली तय हो गया, खाली 2 या 3 बार जैम में रुकना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है अब हम हाइट ज्यादा पकड़ रहे हैं और ये कर्व्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा शार्प होते जा रहे हैं। मुझे कुछ साइक्लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं इनसे ये लोग कहाँ जा रहे हैं। We are cyclists from Mysore called Mysore Runners, about 14 of us. Right now what you see is a group, one of the groups of 4 cyclists headed towards Rohtang Pass. We are on a cycling expedition from Manali to Leh, covering a distance of 540 kilometers over a 7-day period. Thank you very much. Manali se Leh 540 kilometer ka distance 8 din ke andar cover karna cycle pe, विल पावर और स्टैमिना दोनों तारीफ के काबिल है। इस डेंजरस रोड के ऊपर ये कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, मैंने थोड़ा आगे जाके देखा, एक गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा पत्थर गिरा और उससे गाड़ी कितनी बुरी तरह से डैमेज हो गई। और मैंने लोगों से पता लगाया कि जो ड्राइवर और उसके साथ को पैसेंजर थे उनको किसी तरह की चोट नहीं आई। थैंक गॉड फॉर दैट। एक 1.25 घंटे के अंदर क्रेन आ गई और क्रेन ने और कुछ लोगों ने मिलकर गाड़ी को रोड से थोड़ा साइड पे कर दिया। लेकिन लैंडस्लाइड का डर अभी भी बना हुआ है। ऊपर के पहाड़ और पत्थर कभी भी गिर सकते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ पत्थरों की मूवमेंट हम सुन सकते हैं। इस एक्सीडेंट को देखकर ऐसा लगा कितना रिस्की है मनाली से रोहतांग इस ट्रैक पर चलना। एनीवेज 3-3.5 घंटे यहाँ रुकने के बाद हम लोग निकल चुके हैं रोहतांग के लिए आखिरी 4 किलोमीटर्स। रोहतांग कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति वैली को कुल्लू से, साथ में रोहतांग को लद्दाख के लिए गेटवे भी कहते हैं। इस समय मैं रोहतांग पास में हूँ, 13,050 फीट की हाइट में। सुबह 9:30 बजे चले थे मनाली से,
यहाँ पहुँचे 4:10 में लैंडस्लाइड हो गया था रास्ते में, मेरे को पीछे स्नो दिख रही है, चल के स्नो का मजा लेते हैं। रोहतांग को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेली बेसिस पे 1200 गाड़ियों को परमिट मिलता है, 800 पेट्रोल और 400 डीजल। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से रोहतांग आना चाहते हो तो वेबसाइट में ऑनलाइन बुकिंग करवा लो, परमिट निकलवा लो, या अपने ट्रैवल एजेंट से पहले बुकिंग करवा लो एडवांस में, अदरवाइज सीजन के अंदर परमिट कैन बी अ प्रॉब्लम। अब चलते हैं यहाँ से एग्जिट की तरफ। हम गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान राजस्थान नगर से रोहतांग, बहुत अच्छी जगह, जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा पूरी रात यहीं रुके। अच्छा, बाकी सब इन्होंने बोला है कि अभी जाकर विजय को एक्सप्लोर को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, आप ही कर लेना। रोहतांग इज वेरी गुड, हमारी वीडियो का लाइक करिए। वेरी नाइस बच्चा। रोहतांग का रास्ता केवल 6 से 7 महीने के लिए खुलता है, 15 मई से नवंबर तक, बाकी समय रोहतांग का रास्ता बंद रहता है बर्फ की वजह से। शाम को 6:10 हो चुके हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बादलों के बीच में खड़ा हूँ, कम से कम आधा या 1 घंटा और स्पेंड करने का मन हो रहा है, लेकिन चॉइस नहीं है क्योंकि यहाँ से पहुँचने में मुझे मनाली 2.5 घंटे लगेंगे नॉन स्टॉप ड्राइव। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।